योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोर्ची टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाई प्रेशर के गैस गीजर के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा हाई प्रेशर गीजर कैसे काम करता है और इसके अंदर लो प्रेशर से अलग क्या होता है और इसकी खूबी क्या होती है। आज मैं ये सभी बातें आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ये हाई प्रेशर का गीजर है। दोस्तों इसके अंदर लगभग सभी जो से कंपोनेंट हैं लगभग लो प्रेशर गीजर की तरह ही हैं। वही सर्किट बॉक्स है दोस्तों, वही ठंडे पानी वाली पाइप है, वही गर्म पानी वाली पाइप है, वही गैस वाली पाइप है, वही सोलर डिले है, वही सर्किट बॉक्स है, वही बर्नर है, वही चैम्बर है और वही जो पूरा सिस्टम वही है दोस्तों। लेकिन इसके अंदर अलग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि इसके अंदर अलग क्या है। दोस्तों जो इसकी असेंबली है वो लो प्रेशर से अलग है, हाई प्रेशर की असेंबली ऐसी होती है और लो प्रेशर की असेंबली और तरह की होती है। दोस्तों जो लो प्रेशर का गीजर है उसके अंदर सेंसर काम करता है। इसके अंदर एक मैग्नेट होता है जो ऊपर उठता है और सेंसर को ऑपरेट करता है और सेंसर उससे आगे सप्लाई देता है जिससे हमारा गैस गीजर ऑन हो जाता है। देखिए वो सेंसर ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा सेंसर नहीं है। इसके अंदर एक मैकेनिकल स्विच होता है जो इस गीजर को ऑन करता है। वो काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वो मैकेनिकल स्विच है दोस्तों जो इस गीजर को ऑन करता है। लेकिन ये कार्य कैसे करता है मैं आपको वो अभी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये वो स्विच है, ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ फिटेड होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा स्विच इसमें लगा के मैं दिखाऊंगा ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये देखिए, इस लीवर, जब ये लीवर इधर होता है तो ये स्विच काम करता है। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लीवर काम कैसे करता है। दोस्तों जब हमारा पानी इसके अंदर जाएगा तब हमारा ये लीवर ऑन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हाई प्रेशर का गीजर क्यों कहते हैं। दोस्तों इस गीजर को हाई प्रेशर गीजर इसलिए कहते हैं कि हमें इसके लिए, जहाँ हम इसको इंस्टॉल करेंगे और जो हमारा पानी का स्रोत है इसके और उसके बीच में काफ़ी अंतर होना चाहिए, क्योंकि जब तक इस गीजर में पानी प्रेशर से नहीं आएगा तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा, ये अपना काम नहीं करेगा, इसलिए इसे हाई प्रेशर का गीजर कहते हैं। दोस्तों शुरू शुरू में हाई प्रेशर के ही गीजर आते थे, लो प्रेशर गीजर इसके बाद में आने शुरू हुए हैं। तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हो गई कि जिन उपभोक्ताओं की पानी की टंकी नीचे रखी होती थी वहाँ पर ये सही तरह से काम नहीं कर पाते थे, या मान लीजिए जिसकी पानी की टंकी अभी फुल भरी हुई है और वो आधी हो गई तो भी ये गीजर काम छोड़ जाते थे, क्योंकि पानी का प्रेशर कम हो जाता था, कम मात्रा में आता था, इसलिए इसका ये मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता था। क्योंकि दोस्तों जो हाई प्रेशर का मैकेनिज्म है वो हाई प्रेशर पानी आने पर ही काम करेगा, अगर पानी का प्रेशर लो हो जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आजकल लो प्रेशर के गैस गीजर आते हैं उनके अंदर हम पानी की टंकी बिल्कुल चाहे पास में रखी हो फिर भी वो ऑपरेट होते हैं, इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। ये काम कैसे करता है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ से हमारा पानी इसमें जाएगा, ये हमारी असेंबली है। इस असेंबली में ऐसा एक प्लास्टिक का गुब्बारा होता है जो यहाँ पर फिटेड है, वो पानी का प्रेशर इस गुब्बारे को फुलाएगा। इस गुब्बारे को फुलाकर हमारी एक ऐसी प्लास्टिक की बिल्कुल राउंडेड शीट लगी हुई है जिससे इस पर दबाव पड़ेगा और दोस्तों ये हमारा जो ये स्विच है, जो ये स्विच है दोस्तों, इसके ऊपर दबाव पड़ने से ये स्विच ऐसे हो जाएगा और हमारा गीजर ऑन हो जाएगा। ये ऐसे इस पर दबाव पड़ते ही हमारा गीजर ऑन हो जाएगा।
तो हमारा गीजर यहाँ से ऑन होते ही हमारी गैस की सप्लाई यहाँ से शुरू हो जाएगी और हमारा गैस गीजर ऑन हो जाएगा। जो इसकी सबसे खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे लो प्रेशर गीजरों में ये खास बात नहीं होती, वो खास बात क्या है दोस्तों, ये प्रेशर हमारे स्विच को ऑन तो करेगा, साथ में ये हमारी गैस की सप्लाई को भी ऑन करेगा। इसकी सबसे खास बात है वो ये है, अगर हमारे इस गीजर में पानी का प्रेशर नहीं आएगा तो हमारे गैस की गीजर सप्लाई ऑन नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर स्प्रिंग लगे होते हैं दोस्तों। जब हमारा प्रेशर इस पर पड़ता है तो स्प्रिंग दूर हो जाता है और हमारी गैस की सप्लाई यहाँ से ऑन होकर यहाँ चली जाती है। जो सबसे खास बात दोस्तों, जो सबसे बड़ा सेफ्टी पॉइंट है वो इसका यही है कि इसमें पानी का प्रेशर जब तक इसको फोर्स लगा के ऑन नहीं करेगा तब तक हमारी गैस की सप्लाई ऑन नहीं होगी, और लो प्रेशरों में ऐसा नहीं होता। लो प्रेशरों में गैस की सप्लाई आज़ाद होती है, वो आपका पानी का प्रेशर आए या ना आए, अगर आपका मान लो को शॉर्ट सर्किट से गैस की जरूरत उड़ जाता है तो भी आपकी गैस रिले ऑपरेट हो जाती है और सप्लाई आगे चली जाती है। लेकिन जो हाई प्रेशर गीजर है उसके अंदर अगर आपकी गैस की रिले ऑन भी हो गई हो तो गैस की सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि जब तक पानी की फोर्स उस अवरोध को दूर नहीं करेगी तब तक हमारी गैस की सप्लाई यहाँ से अंदर नहीं जाएगी। और ये एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी फीचर है जो हाई प्रेशर गैस गीजरों में होता है। दोस्तों अगर हम विदेशों में देखें तो आपको हाई प्रेशर के गीजर ही वहाँ पर ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि इसकी सेफ्टी पॉइंट, जो ये सेफ्टी पॉइंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको आगे इसकी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया हाई प्रेशर और लो प्रेशर गीजर में क्या डिफरेंस होता है। ये एक बहुत ही दमदार मजबूत गैस गीजर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।